है करवा चौथ स्पेशल, तो करवा चौथ पे स्पेशल एक लोवेस्ट लहंगा क्यों ना ले आए, कुछ स्टाइलिश सा हो जाएगा। और देखिए बहुत ही सुंदर, मैंने खुद डिज़ाइन करवाया है लहंगा और चॉइस मेरी सिस्टर की चली थी इसमें। तो देखिए बहुत ही सुंदर लहंगा है और कितना प्यारा कलर है, वाइन कलर का लहंगा है। और ये है मेरा, देखिए सुंदर सा लहंगा, और इस पे मैंने वेयरिंग की है इस तरह से दुपट्टा। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट ही लेके आती हूँ अपने ब्लॉग्स में, तो उसी तरह से नवरात्रों का काफ़ी प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि नवरात्रों में मैंने जो ये वेट लूज़ किया था ये मेरे बहुत काम आया, क्योंकि आज इस तरह से डिज़ाइनिंग पहनने के बाद मुझे बहुत ही मस्त लग रहा है कि मतलब हाँ मैंने इसका सक्सेस कर लिया इस चीज़ को। तो चलिए अब दिखाती हूँ आपको और भी प्यारी प्यारी लुक्स। तो आज तो डिफरेंट बनता ही था, क्योंकि आज है करवा चौथ स्पेशल व्लॉग, तो उससे रिलेटेड एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं आपके साथ। तो आप सब हमेशा मेरा पार्ट ऑफ द, देखिए बहुत ही सुंदर लुक है, अभी दिखाऊंगी इसका सिंपल और वेस्ट तरीका। और मुझे ये वाला कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैंने वाइन कलर चूज़ किया था। चॉइस मेरे पास काफ़ी थी, मतलब ये था कि कौन सा वाला मैं सिलवा, जो मेरी चॉइस हो वो मैं सिलवा सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने यही चॉइस किया क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और इस पे जो मैं लेके आ रही हूँ वो बहुत ही सुंदर पिंक कलर का हैंकी है, तो देखिए कितना प्यारा लुक है। और आज का फेस्टिवल लुक लेके आ गई हूँ मैं आप सबके बीच में, ये रहा देखिए, ये रहा कितना सुंदर लुक। और मैंने किया ये ओपन में, और मैंने आज, मैं हमेशा करवा चौथ वाले दिन गजरा जरूर लगाती हूँ, तो मैंने डाला है गजरा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसका लुक आपको मिलेगा मेरी रील्स पे, इंस्टा रील्स पे, वो आप देख सकते हैं। तो कितना प्यारा कलर लग रहा, वाइन कलर सच में बहुत ही सुंदर कलर होता है। तो मैंने सोचा कि जब तक मतलब शाम की तैयारी स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ पर, कि बोलते हैं कि तारा निकलने से पहले पहले खाने वगैरह की तैयारी करने लगते हैं, तो फिर एक ही बार चाय पीते हैं, एक बार मैं चाय पी चुकी हूँ, तो अभी तक, लेकिन आज करवा चौथ है ना, तो उसकी एक्साइटमेंट इतनी हो रही है कि एनर्जी अपने आप ही इतनी ज़्यादा आ रखी है कि लग रहा है कि मतलब। और ये रही मेरी पायल, पायल मैंने डाली है कि घुंघरू वाली पायल है, बहुत प्यारी। और बिछुए हमारे यहाँ पे मस्ट ऑफ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा की ट्रेंड में बिछुए डालने ही डालने होते हैं, तो बिछुए भी मैंने डाल लिए, न्यू बिछुए लाई थी, देखिए कितनी सुंदर पायल। हाय पूजा सर, थैंक यू सो मच। और तो फिर इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना लाइव में आकर सबको वो गैदरिंग कर लूँ सबकी, और सबकी विशेज वगैरह, हमेशा करवा चौथ की भी आई थी मुझे, तो उन सबके लिए थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे करवा चौथ की विश दी थी। और आज का लुक इतना ज़्यादा मतलब ट्रेंडी हो गया था, और अहोई वाले दिन मैं बहुत अच्छी सी बनारसी गेटअप में एक साड़ी डालने वाली हूँ, वो भी आपको मिलेगी मेरे ब्लॉग्स में, वो देखते रहिए आप। और इंस्टा रील मेरी जिसको भी चेक करनी है वो मेरे इंस्टा रील, हाय नवीन जी, तो वो मेरी इंस्टा रील जाके देख कर सकते हैं, मैंने इंस्टा रील बनाई है बहुत ही सुंदर सुंदर। और ये तो मेरा आज करवा चौथ का लुक था, तो डिज़ाइनिंग कराया ये मैंने, बहुत ही सुंदर कलेक्शन है और उसी से रिलेटेड। और वाइन कलर वैसे भी ना थोड़ा सा एक बिल्कुल निखर के आता है, मतलब किसी भी कलर पे आई थिंक सो, बट मतलब डार्क कलर वाले ना पहने, जो डार्क कलर वाले होते हैं, लेकिन जो फेयर कलर है उस पर जितना डार्क कलर डालते हैं ना उतना ही सुंदर लगता है। और जैसे कि नवरात्रों में व्रत रह गई थी, तो व्रत रहने के बाद मुझे किसी भी तरह की ओवर डाइट की जरूरत नहीं पड़ी, उतना है कि मतलब
जैसे, और ये कंट्रास्ट हो गया हमारा, ये कंट्रास्ट हो गया, और जैसे कि अपोजिट कलर में, लेकिन कुछ कुछ मतलब इसमें कलर आ रखा है। ये ड्रेस सिलेक्शन आर वेरी गुड, थैंक यू सो मच, इसीलिए मैं लेके आई हूँ ये वाला कलेक्शन। बेली चेन नहीं पहना, वो बेली चेन पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि जो मतलब ये देखिए, ये मैंने इसी के साथ की बेल्ट बनवाई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बेल्ट का लुक अगर ये दे दी। और आज का जैसे बहुत से होते ना पायल की छनछन की पायल की छनछन से रिलेटेड वीडियो बनाओ, मेरे पास काफ़ी पीछे भी कमेंट वगैरह आई थी कि पायल की छनकार हो और आप इस तरह की वीडियो बनाइए, तो वो भी वीडियो मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। मैं अभी अपना स्टेटस थोड़ा सा और फोकस कर दूँगी और उसके बाद इसका प्रॉपर लुक मिलेगा आपको मेरे चैनल पर, वो मैं ब्लॉग्स बनाऊँगी, डालूँगी मतलब वो दिखाऊँगी आपको। और मुझे काफ़ी सुंदर सुंदर से गिफ्ट मिले हैं आज, तो बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट मिले, पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया, जिसने मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे होंगे वो आप मेरे ब्लॉग्स देख के चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी। और ये बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ है, कैन कैन लगा हुआ है इसमें, इसी वजह से इसका फ्रिज इतना ज़्यादा हो रखा है। और हमारे यहाँ पर फिर चांद से पूजन होते तैयारी हो जाती है। वेयर आर इज योर कौन से वाले चिल्ड्रन, अच्छा मिलना है आपको मेरे चिल्ड्रन से, चलिए मिला देती हूँ। बच्चे लग रहे हैं अभी गेम वगैरह में, वो मेरी वीडियो वगैरह उन्होंने ही बनाई है, अभी जितनी भी सुंदर सुंदर मेरी वीडियो है अभी नहीं। हाय शिवा, हाय, ये शिवा, हेलो हेलो, हाय सुजा। तो ये मिल लिया आप मेरे बच्चों से, ये है मेरे बच्चे, टीवी टाइमिंग है इनका, तो बस वो टीवी देख रहे हैं। और एक मेरा बेटा, अभी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मेरे ट्विंस बेबी बॉय है। हे एवरीबॉडी, हाय हाय लेजली जी, हाय, हेलो, ये मेरे ट्विंस बेबी में से एक, हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाँ, तो सबको हेलो कर रहे हैं ये भी आपकी तरफ से भी, और आप मेरी अच्छे से जॉइनिंग फैमिली बन चुके हैं, तो आपने देखे मेरे रेगुलर ब्लॉग। तो ये है मेरी सुंदर सी स्वीट सी लवली सी फैमिली, और सुनील जी गए हैं अभी, पता नहीं क्या सरप्राइज देने वाले हैं, बहुत देर हो गई है मुझे कॉल करते करते, मतलब सुबह मॉर्निंग में गजरा वगैरह जो होता है हमारा वही लेके आते हैं, तो वो मेरे के लिए गजरा ले गए थे। मैंने अभी चेंज किया है थोड़ा सा लुक, क्योंकि मुझे आना था लाइव, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना एक लुक चेंज कर दूँ, फिर उसके बाद कपड़े चेंज करने रहेंगे, शाम का खाना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस चुनरी में, मतलब ये जो चुनरी होती है ना, इसमें ना हम चावल जो बांधते हैं, जो स्टोरी करते हैं ना वहाँ पे कहानी गैदरिंग वगैरह में, तो जहाँ पर हम स्टोरी सुनते हैं, तो वो चावल हमने वो बांध के रख लिए पोटली में, और फिर उन्हें करवे में डाल के शाम के टाइम जब अर्घ देने के लिए जाएंगे, तो और बस इसी तरह से होता है करवा चौथ का, बड़ा ही पावन और पवित्र त्यौहार। और इसमें मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो जो मेरे फॉलोअर्स भी हैं, जो जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, कि किसी का दिल मत दुखा के रहो, हमेशा स्माइल के साथ रहो। आप सब एक सुंदर सी फैमिली बन चुके। दिस हैंड कर्चीफ इज़ न्यू और ओल्ड, दिस हैंकी इज टोटली न्यू, आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये टावल आज जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब मैंने वेयरिंग करी है, वो सारी की सारी न्यू है, क्योंकि करवा चौथ पे मैं एक न्यू कलेक्शन का ही वीडियो बना रही हूँ। और जब भी मतलब जो भी चीज़ें मतलब मैं पहनती हूँ, लिप कलर है, काजल है, आईलाइनर है, मस्कारा है, मेकअप से रिलेटेड जो भी आप चीज़ें देख रहे होंगे, वो सारी की सारी न्यू है, क्योंकि आज के दिन कोई भी मतलब और चीज़ें नहीं पहनती हूँ। फिर उसके बाद उसका यूज आगे करते हैं, बस यही चलता रहता है। इसी तरह से हमारे सुंदर सुंदर से फेस्टिवल हमारे लिए लेकर आते हैं एक छोटा सा मैसेज कि बी हैप्पी रहिए, जैसा भी हो, जितना मिले उतने में सुकून शांति से खुश रहें, यही मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे भी है। और कैसा लगा मेरा लुक बताइएगा ज़रूर,
क्योंकि आप मेरी रेगुलर फैमिली हैं, तो आप ज़्यादा से बेस्ट ऑफ बेस्ट कमेंट करते हैं, उससे मिलता है मुझे एक मोटिवेशन। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। चलिए कर दें इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, क्योंकि काफ़ी देर हो गई मेरे को, फिर शाम की तैयारी करनी होती है। लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, आगे मिलूंगी कंटिन्यू, क्योंकि नई नई साड़ियाँ, नए नए ड्रेसअप मेरे साथ आप देखते रहेंगे, और एक और नई साड़ी फिर से बनारसी साड़ी का। थैंक यू सो मच आशीष परियानी जी, आशीष ट्रेंडी कंपनी, थैंक यू सो मच। तो सबके लिए थैंक यू, सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, और करवा चौथ की जिस जिसने मुझे विशिंग की है उसके लिए भी थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, आप सुनाइए आप कैसे हो? थोड़ी सी एनर्जी डाउन लग रही होगी, लेकिन इतनी भी नहीं है कि मतलब मैं आप सबसे बात नहीं कर सकूँ, इसीलिए तो मैं लेके आई हूँ अपने चैनल को फिर से, मतलब अपने ब्लॉग को कंटिन्यू किया है, लाइव आई हूँ ताकि आप सबसे छोटी सी बातें करती रहूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से इतने जुड़े होते हैं कि कंपल्सरी अपने ब्लॉग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबके सब लाइक्स के हिसाब से मुझे लग रहा है, मेरी लाइक के हिसाब से जितने मतलब मेरे लाइव आ रखे हैं बंदे, उनसे लाइक कर दीजिए, फर्स्टली लाइक कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मतलब लाइव कितनी कंटिन्यू है। आरिस ट्रेंडी जी, शायद आपको लग रहा है कि आपका, मुझे लग रहा है कैमरा वगैरह शार्प नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी क्लोज लेके भी वीडियो बनाई थी, और अभी शायद आप थोड़ा लेट आए हैं, इससे आपको लग रहा होगा। आपकी इंस्टा भी बहुत अच्छा आपने किया बट रिप्लाई नहीं किया। किस नाम से? आर एस ट्रेंडिंग कंपनी, किसी कंपनी में जॉब करते हैं क्या आप, या किसी तरह का मतलब क्या आप, कोई बुकिंग है, पार्सल है, क्या है, या मैसेज है? मतलब आजकल मैं इस वजह से भी थोड़ा सा रीड नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास मैम सो वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टक सुमा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वे वाई यू हट, और उसके बाद ना अगर मेरे पास कोलाबोरेशन की वीडियोस के लिए भी मतलब काफ़ी ऑफर आ रहे हैं, अगर आपको आपके पास बेस्ट से बेस्ट ऑफर जो हो, जो आप बताएंगे, जो आप डिसाइड करेंगे, अगर बेस्ट ऑफर होगा। और हाँ, आप सबके साथ एक बात तो मैं शेयर करना भूल ही गई, जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और वह मैं बता रही हूँ कि मेरे को ना जिस तरह से मतलब मुझे डांसिंग का शौक है, आपने देखा है कि मैं इंस्टा रील जितनी भी बनाती हूँ वो डांसिंग से रिलेटेड होती है, तो ये है इंपॉर्टेंट टॉक टू यू ऑल ऑफ यू माई सब्सक्राइबर, क्योंकि आप मेरी फैमिली बन चुके हो तो आपसे बताना ज़रूरी समझती हूँ। तो सुनिए कि मुझे ना एक वीडियो उसमें रील्स में देसी मतलब डांस में जो होती हैं वीडियोस वगैरह, उसमें ऑफर आया है कि मतलब आप मैन लीड रील उसमें एक्ट्रेस में आपके लिए मतलब एक चॉइस आई है कि आप किसी गाने पे मतलब डांस वगैरह कर सकती हैं। तो आप बताइए मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या किसी के पास मतलब इस तरह का कोई बेस्ट ऑफर हो, या मॉडलिंग से रिलेटेड, या समथिंग ड्रेस करने के बाद कोई इस तरह की अच्छी सी जो मतलब मुझे ऑफर आ रहे हैं वो मैं देखती जा रही हूँ, जो मुझे ऑफर अच्छा लगेगा वो मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो आप सब इतने सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मतलब मुझे इस तरह की रील्स वगैरह या इस तरह का जो अच्छा ऑफर आता है वही मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे किस तरह की रील्स वगैरह में आना चाहिए, और कितनी मतलब कंपनियां वगैरह रहती हैं उनमें ऑफ़र आते हैं कि मतलब आप रिलेटेड भाई हमारी साड़ीज़ हैं उनके लिए मतलब एक थोड़ा सा पोस्टर्स वगैरह कर दीजिए, वीडियो से क्लिपिंग या फोटो सेशन के लिए मतलब कॉल आइए। पर अभी मतलब मैं किसी चीज़ को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब मैं आप सबके साथ जुड़ के आप सबको अच्छे से बिलीवली मतलब जानने लगूँ। आप सब जानते हो मैं एक थोड़ा सा फैमिली हूँ, और हर तरह की नॉलेज मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो जो भी अच्छा होगा, जो भी बेस्ट होगा, वो भी मतलब जो लगेगा मुझे फैमिली सा, वही मैं डिसाइड करूँगी अपने फ्यूचर के लिए। तो अगर रील से रिलेटेड भी होता है और कोई अच्छी वो होगी
ऑफरिंग जैसे कोलैबोरेशन जो आता है, तो अगर सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस ही होंगी या आप साड़ी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बोलते हैं, और अगर वो साड़ियाँ भी बहुत प्यारी होंगी, मतलब फोटोज़ वगैरह आप भेज सकते हैं, इंस्टा पे भेज सकते हैं, और वो साड़ी कैसी है विद ब्लाउज का फोटो वगैरह से करके, और फिर मेरे पास सेंड कीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि मतलब अगर किस तरह से मैसेज वगैरह करके मेरे पास आएगी, उसी तरह की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरह के भी बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं मेरे को। हाय मैम, टक विद कॉटन फ्लोरल, नेक्स्ट टाइम पक्का, यू लुक अट्रैक्टिव, थैंक यू सो मच। बाकी आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ की विशेष, जिस तरह से बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मेरे, आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हो, उसके लिए तो हाय भाभी जी, हाय मिलिंद, मिलिंद जी, तो बहुत सुंदर सी ये जो मैंने बताई है बातें, अगर आपको मतलब जिन जिनको मेरी इस वाले सजेशन की बातें या इस तरह की असाइनमेंट सुननी है तो वो बताइएगा ज़रूर मुझे। प्रिया लक्ष्मी, हाय प्रिया, अब भी मैंने आपका देखा था मैसेज, मतलब मेरी पिछली वाली वीडियो पर, तो मैंने आपकी वीडियो का देख लिया है, और डिफरेंट टाइप के जो भी मतलब कलेक्शंस होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। वेर आर इज योर, तो चलिए कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और फिर मिलूंगी मैं आपको। चलिए पहले मिला देते हैं अपने करवा चौथ बड़ी से, किस चीज़ की ये रहे, ये सुबह से मॉर्निंग से अब आ रहे हैं। हाँ चलिए मिलते हैं, सबको कर देते हैं बाय, थैंक यू सो मच, यू लुक ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पर, और वीडियोस के लिए कंटिन्यू मैं लाती रहूँगी बड़ी ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी इसी तरह की साड़ियाँ। चलिए कर देते हैं, बाय बाय।